अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने लगे हैं प्रॉन मसाला। प्रॉन मसाला के लिए जो हमें मसाले चाहिए वो नोट कर लें। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़े से मैंने गरम मसाले लिए, गोल मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट, 1 तेजपात का पत्ता, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी। अब मैंने जो है 2 टमाटर और 5 मैंने हरी मिर्चें लिए, इनको मैं प्यूरी बना लूँगी। और एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल यूज़ किया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना डाल के और 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज कट करके बारीक, और इसको मैं फ्राई करूँगी प्याज को। और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट किया है, वो इसमें ऐड करूँगी। जिस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ आप लोग देख लें। इसको भूनेंगे हम, और जो मसाले मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब ऐड करने के बाद मैंने अपनी जो प्यूरी तैयार की थी टमाटर और हरी मिर्च की, वो भी मैंने ऐड कर दी। और इस सारे मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और ढक्कन ढक के इसको पकाएंगे। अब ये देख लें आप, इस तरीके से भुन गया है मेरा मसाला और ये ऑयल इसमें से इस तरीके से बाहर आ गया है। तो ये इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी रेडी है। मैंने 1 किलो प्रॉन्स लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ये मैंने ऐड कर दिए इसमें, और इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट इसको पकाने के बाद ये मैंने ढक दिया है, और अब मैं इसको ढक्कन हटाया 10 से 15 मिनट के बाद, और मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। और ये हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है और पानी बिल्कुल भी नहीं है अब इसके अंदर, और प्रॉन भी हमारे गल चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, और मेरी रेसिपीज़ जो आपको अच्छी लगती हो तो उस पर कमेंट ज़रूर किया करें।